नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। निशा कुमारी साहू पढ़ाई करते हैं जी? कितने में? बीएड में। किस कॉलेज से? कोल्डफील्ड एजुकेशन ऑफ कॉलेज, पांडेश्वर में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अभी बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर के बंगाल सरकार पे काफी आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आपकी नजर में बंगाल सरकार ने अपने 10 सालों में क्या काम किया, अच्छा काम या बुरा काम? बहुत अच्छा काम किया। हम लोग के स्कूल लाइफ में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। हमारे स्कूल में हमें साइकिल मिला गया है, फिर कन्यास्वरी का पैसा मिला है, फिर जब हम कॉलेज में गए तो कन्यास्वरी 2 का भी पैसा मिला हम लोग को। फिर कॉलेज में बहुत सारा सपोर्ट मिला है, जैसे कि लाइब्रेरी बना दिया गया है, और कॉलेज में सभी तरह का हम लोग को सुविधा मिला गया है TMC की तरफ से। क्या बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत सुरक्षित है। हम लोग तो बहुत अपने आप को सेफ समझते हैं, क्योंकि बाकी स्टेट लोग के तुलना में हम लोग बंगाल में हम लोग आराम से घूम फिर सकते हैं। कोई किसी चीज़ का मतलब डर नहीं है कि हाँ इस तरह से, फिर रेप ऑफ केसेस जितने हैं वो सब बहुत बंगाल में कम है बाकी सब स्टेट की तुलना से। तो बंगाल हम लोग के लिए बहुत सेफ है, हम जैसे महिलाओं के लिए। और पढ़ाई के क्षेत्र में राज्य सरकार क्या की है? शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जैसे कि हम लोग स्कूल में सब कुछ साइकिल, पैसा कन्याश्वरी का, कॉलेज लाइफ में उनसे हम लोग को बहुत कुछ मिला है। फिर जाके अभी लॉकडाउन के टाइम पे जो कोरोना अभी निकला है उसके लिए हम लोग को जो 10 के बच्चे हैं वो 10 को 12 लोग को सभी को पैसे दिए जा रहे हैं टैब खरीदने के लिए, उन लोग एग्ज़ाम दिलाने के लिए। फिर देखिए सभी स्टेट में क्या कॉलेज जाके एग्ज़ाम देना पड़ा था ग्रेजुएशन में, लेकिन हम लोग का बंगाल सरकार ने हमें बोला है कि ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं। तो हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम दे के हम ग्रेजुएट हुए हैं, जो मेरा पर्सनल है कि मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम दे के ग्रेजुएट हुई हूँ। तो ये सब हाँ देते हुए हैं। अभी जो राज्य सरकार रूपश्री सबुज साथी सब जो योजना निकाली थी, इससे छात्राओं को कितना लाभ हुआ? बहुत लाभ हुआ है सर। अच्छा, राज्य सरकार कहती है कि सबूत साथी के तहत जो साइकिल दे गया उससे छात्राओं को खास करके काफी सुविधा हुआ, वो स्कूल वगैरह जाने प्रतिशत बढ़ाया छात्राओं को स्कूल जाने में। हाँ जी, हमको जब स्कूल से साइकिल मिला गया था तो हम आराम से स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे, तो हम मुझे तो बहुत अभी हुआ है। हाँ, और अभी एजुकेशन क्षेत्र में आपको सुविधा मिला इधर आप लोगों को? हाँ, यहाँ MA के लिए हिंदी भाषा के लिए कॉलेज खुल गया है आसनसोल में। आपकी पढ़ाई भी सुने बीबी कॉलेज में हो रही? हाँ हाँ जी।